निवाली। कोरोना वायरस को देखते हुए प्रशासन द्वारा साप्ताहिक हाट बाजार प्रतिबंधित किए गए। निवाली में सोमवार के दिन साप्ताहिक हाट बाजार लगता है, इसलिए सोमवार को मेडिकल और दूध को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहती है। लेकिन लोग सोमवार की जगह व्यापारियों और दुकानदारों ने अघोषित तरीके से मंगलवार को हाट बाजार लगाना शुरू कर दिया। वहीं प्रशासन भी असहाय नजर आ रहा है, वह किसी तरह की कार्रवाई नहीं की। अंजड़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता, फरार स्थायी वारंटी को धर दबोचा। प्राप्त जानकारी के अनुसार शेरुपीतल दगड़िया भील उम्र 35 साल पर लड़ाई मारपीट लूट नकबजनी तथा चोरी आदि के अलग अलग मामले अंजड़ थाने में पंजीबद्ध थे, जो सन 2016 से फरार चल रहा था, जिसे न्यायालय ने 2017 में स्थायी वारंटी घोषित किया गया था। आरोपी को खरगोन जिले के ग्राम तीरी थाना उन से गिरफ्तार किया गया। आरोपी न्यायालय में पेश किया जाएगा। अंजड़ टेंट कारोबारियों ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में टेंट व्यवसायियों ने प्रदेश शासन से आर्थिक पैकेज देने की गुहार लगाई। टेंट कारोबारियों का कहना है कि लॉकडाउन के चलते हमारा व्यापार पूरी तरह से प्रभावित हुआ है तथा हम तंगहाली का शिकार हो गए। नगर में करीब 15 से अधिक टेंट व्यवसायी है और हमारे यहाँ लगभग 500 से अधिक कर्मचारी कार्यरत है। ऐसी स्थिति में उनकी तनख्वाह देना तो दूर, हमारे परिवार का गुजर बसर करना भी दूभर हो गया है। जुलवानिया, धार्मिक स्थलों को खोलने की मंजूरी के बाद नगर के मुस्लिम युवकों ने मिलकर कोरोना महामारी के चलते सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश करते हुए मुस्लिम धार्मिक स्थलों सहित नगर के समस्त मंदिरों में भी सैनिटाइजर का छिड़काव किया। नगर के धार्मिक स्थलों पर जाने वाले सभी धर्मावलंबियों के स्वास्थ्य सुरक्षा का ख्याल रखते हुए नगर के मस्जिद दरगाह सहित रामकृष्ण मंदिर, गायत्री मंदिर, शिव मंदिर, दुर्गा मंदिर, हनुमान मंदिर जैसे सभी धार्मिक स्थलों को सैनिटाइज किया गया। मुस्लिम युवाओं के इस कार्य की नगर में प्रशंसा की जा रही है। सेगांव, खंडवा बड़ौदा स्टेट हाईवे पर संकीर्ण पुलिया बारिश में हमेशा परेशानी का कारण बनती है। जहां मुख्य मार्ग पर आवागमन बाधित होता है तो वहीं घंटों वाहनों की कतारें लगने से बूढ़े बच्चों के लिए बेहद तकलीफदायक समय होता है। मार्ग पर ज्यादातर पुलियों का काम पूर्ण होकर आवागमन शुरू हो चुका है, पर नगर की बुराड़ नदी की पुलिया का काम अभी भी अपूर्ण होकर बंद पड़ा है। जहां पुलिया का काम बंद है वहीं पुरानी पुलिया पूरी तरह जर्जर हो गई है। आए दिन होते रहे हादसों में कई बार लोगों की जान तक गई है। बड़वाह, ग्राम पंचायत कदवालिया के रहवासियों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वे में ग्रामीण जनों से भेदभाव करने का आरोप लगाया। इस मामले में ग्रामीण जनों ने जनपद सीईओ बाबूलाल पवार को एक शिकायती आवेदन दिया, जिसमें ग्रामीणों ने बताया कि हमारे गांव में कई लोगों के कच्चे मकान हैं, उन्हें आवास योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा। ग्रामीणों ने शिकायती आवेदन के माध्यम से पुनः सर्वे की सूची जांच कर वास्तविक गरीब हितग्राहियों को आवास योजना का लाभ दिलाने की बात कही। बड़वा, वार्ड क्रमांक 13 गुरु नानक मार्ग की एक 53 वर्षीय महिला की जांच रिपोर्ट की पुष्टि कोरोना पॉजिटिव हुई, जबकि महिला का इलाज इंदौर के निजी हॉस्पिटल में चल रहा था। पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद स्थानीय प्रशासन ने पॉजिटिव महिला के निवास स्थान सहित दोनों छोर के मुख्य रास्तों को कंटेनमेंट एरिया बनाकर उसे सील कर दिया, जिसके बाद सोमवार सुबह स्थानीय स्वास्थ्य विभाग द्वारा गुरु नानक मार्ग के करीब 65 रहवासियों की स्क्रीनिंग की गई व जांच की गई। आज करीब 47 लोगों के सैंपल लिए गए। सनावत, शिक्षा अधिकारी के डोंगरे ने सनावत पहुंचकर परीक्षा केंद्रों का किया निरीक्षण व केंद्र अध्यक्ष को परीक्षा के संबंध में दिशा निर्देश दिए। जिला शिक्षा अधिकारी के डोंगरे ने बताया कि यदि कोई परीक्षार्थी या उसके परिजन कोरोना पॉजिटिव या कंटेनमेंट एरिया का छात्र छात्राएं हैं तो उनके लिए शिक्षा विभाग द्वारा विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी। उन्हें घबराने व परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ ही शिक्षा अधिकारी ने परीक्षा केंद्र का निरीक्षण कर विभिन्न प्रकार के निर्देश दिए। बेड़िया, सेल्दा में कोरोना से मौत के 4 दिन बाद 35 लोगों के लिए सैंपल। 31 मई को सेल्दा के एक व्यक्ति की कोरोना मौत के बाद 4 जून को मृतक की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई। मौत के 4 दिन बाद मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम सेल्दा पहुंची। डॉक्टर हंसा पाटीदार ने बताया कि सेल्दा में मंगलवार को 35 लोगों के सैंपल लिए गए, इसमें से 8 लोग मृतक के परिजन व दाह संस्कार में शामिल लोग सहित मृतक से संबंधित कुल लोगों के 36 सैंपल लिए गए।